जनपद मथुरा के कस्बा राया के ब्लॉक में आज प्रशासन की मौजूदगी में एमएलसी का चुनाव शुरू हुआ, जिसमें सभी पार्टियों के समर्थक अपने अपने प्रत्याशी को विजयी होने की हुकार भर रहे थे। चुनाव कार्य वोटरों द्वारा शांतिपूर्वक तरीके से किया जा रहा था। सर आपका? मेरा नाम लोकेश शर्मा है। सर यहाँ आपने वोट डाले हैं, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए आज हमारे आगरा अलीगढ़ खंड के स्नातक एमएलसी का चुनाव है और इसमें शिक्षक, राज्य कर्मचारी और आपके जितने भर भी स्नातक मतदाता है जो वोट डालते हैं, 6 वर्ष के लिए हमारे एमएलसी चुने जाते हैं। पहली बार आदरणीय इंजीनियर हरिकिशोर तिवारी जी इटावा वालों ने युवाओं में इतना जोश पैदा किया है कि आज बढ़ चढ़ कर लोग वोट डालने के लिए उनको आ रहे हैं। स्थिति हमारे प्रत्याशी की जीत होगी ऐसा हमारा मानना है। आपका कहाँ से आए सर? आप लोग प्रयागराज से हैं, इसलिए हैं कि हम ये जो हमारे हरिकिशोर तिवारी जी हैं एमएलसी का चुनाव लड़ रहे हैं, कर्मचारियों के लिए, शिक्षकों के लिए, स्नातकों के लिए और खास करके बेरोजगारों के लिए भी। इन्होंने जिस तरह से स्नातक बेरोजगार तमाम है उनके लिए इन्होंने जो आंदोलन किया है, जो लड़ाई लड़ी है पूरे जीवन काल में, उसको लेकर के हम लोग पूरे प्रदेश के लोग चाहते हैं कि इस आगरा मंडल से जो है हमारे हरिकिशोर तिवारी जी चुनाव जीते और इसीलिए हम लोग सब सपोर्ट कर रहे हैं। सर आपको यहाँ पर कैसा लगता है? बहुत ही अच्छा लगता है, लगता है कि विजय श्री हमारे हाथ में है। मैं यहाँ अभी स्नातक और शिक्षक के लिए जो मतदान हो रहा है उसमें मतदान करने आया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैंने स्नातक वाला मतदान किया है और मैंने शिक्षक वाला भी मतदान किया हुआ है। जैसे देखा जाए जोड़े से आप लोग आए, पहले भी कभी ऐसा वोट डाला है? फिर जोड़े से डाले? हाँ, कई बार ऐसा मौका मिला है और बहुत अच्छा लगा है। आज के मतदान से पुलिस प्रशासन की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है और आप सब लोगों का सहयोग बहुत अच्छा है। जी बताएं, क्या नाम है? जी बताएं, जोड़े से वोट डाला आपने, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लगा। और क्या कहेंगे इस वोट के लिए? हाँ ऐसे ही हर साल डालते रहे। तो कितने साल बाद डाले जाते हैं ये वोट? करते हैं आप, क्या क्या वो टीचरों को भी कुछ करें, ये नहीं है कि बस जीत जाए और इस उम्मीद से आए हैं कि जो टीचर है उनके भी कुछ करें।